क्या कुछ सिचुएशन क्या कहेंगे? देखिए ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ये नौजवान बच्चे और कुछ थोड़े से मिडिल एज के लोग हैं ये ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए हैं, और मुझे और मैडम सकीना आईटू जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने कहा कि आप वहाँ जाइए और देखिए हम क्या मदद कर सकते हैं। हमने सुप्रिंटेंडेंट मैडम से भी बात की, हमने कहा अगर इनको कोई बेटर ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ हम कर लेंगे। तो लिहाजा दुख की बात है, और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा कि ये बंद होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं रोज क्यों हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, ये खाली हम एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करेंगे उससे बात बनने वाली नहीं है, इनको रोकना पड़ेगा। और आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वर्करों की अपने लीडरों की कुर्बानियाँ दी हैं, और हमेशा हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हों, और आज भी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए शांति आए, और हमारे लोग जो हैं जैसे आज नौजवान बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ जख्मी हुए हैं, और दो ऐसे हैं जो अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं, अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते थे, लेकिन उस भगवान के आगे हम यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनको ठीक करे और अच्छे हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन एक बात है ज़रूर है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं जब से सरकार बनी है यहाँ सोच विचार करने की ज़रूरत है, और क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है और कैसे रोकना है इसको, क्योंकि रोकता हम खाली एक बयान दे देंगे उससे बात बन जाएगी, नहीं आपको एक्शन लेना होगा। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि ये इस जम्मू कश्मीर के अंदर ये आखिरी हादसा हो, ऐसे हादसे हो ना हो। मैडम सकीना से कर ली, एक तरफ से आप सवाल भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि इस तरह के वाकयात रोकने चाहिए, तो कैसे रोक सकते हैं? मैंने वही कहा सिक्योरिटी फोर्सेज को रोकने चाहिए, क्यों नहीं रोकने चाहिए उनको, उनको किस लिए है, किस लिए उनको हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्या खाली तमाशा देखने के लिए खड़े हैं कि हमारे बच्चे जख्मी हो जाएंगे और हम देखते रहेंगे? ये कभी नहीं होने देगी ये सरकार, क्योंकि हम चुन के आए हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया, हमें लोगों ने अपॉइंट किया, हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये रुकने चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेज को इसके पर एक्शन लेना होगा, और जो भी ये हालात बन रहे हैं इनको रोकना होगा, ये रोज रोज की घटना नहीं चलेगी, इसलिए हम थोड़ा मैडम चले शुक्रिया। क्या कुछ आश्वासन आपने इनको दिया है, किस तरह की रिलीफ सहूलत इनको मिलेगी? हम तो आए हैं इसीलिए कि अगर इनको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी करना होगा इनके लिए, वो गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, यहाँ डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं, इन लोगों ने भी कोशिश की है कि जल्द इनका इलाज हो सके, और इलाज चल रहा है, सभी पेशेंट से हम मिले सिवाय दो के जिनकी जो सर्जरी थिएटर में है ओटी, तो इसलिए हमें जो भी पॉसिबल करना होगा वो हम जरूर करेंगे ताकि हम इनकी जाने बचा पाए। नंबर्स अगर जानना है 12 11 अंकल असेंबली का उससे पहले ऐसे अटैक्स हम देखते हैं यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए, ये बदकिस्मती की बात है और ये एक सवालिया निशान है कि ऐसे अटैक्स क्यों हो रहे हैं, और जब आप कह रहे थे कि यहाँ नॉर्मल सी है सब कुछ ठीक है कुछ भी नहीं है, तो अचानक ये रातों रात अगर ये सब कुछ हो रहा है ये बजाज खुद एक सवाल या निशान है।